आप सभी का वेलकम है डीके वंदना के न्यू ब्लॉग में। तो दिल्ली में देख सकते हैं बारिश हो रही है, सारा कपड़ा जो है यहाँ पे अभी तक सूखे नहीं हुए, डारा पे डाला हुआ है। इसी बीच हमारा जो मिक्सर है, मिक्सर तो सही है, इसका जार हमने बनवा के लाया था, पैसे भी लगवाए थे, लेकिन अभी ये फिर नहीं चल रहा है। अभी चल के फिर दिखाते इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। उस टाइम हमने 170 रुपये लगा दिए थे, बस बोल रही है एक ही दिन चला है, उसके बाद से चला ही नहीं। हम कहे बताना चाहिए था ना, हमने बनवाया था दुकान पर, उसको जाके बोलते तो भैया उतने में बना देता, अब इतने दिन हो गए वो फिर पैसे मांगेगा। तो चलते हैं दुकान पे देखते हैं। तो इधर इनका भी तबीयत जो है ख़राब हो गया है। आप लोग बोलते हैं ना घूमने के नाम पे इनका तबीयत सही हो जाता है, घर आती है तो घूमने के नाम पे तबीयत सही हो जाता है, घर रहती है तो ख़राब हो जाता है। तो वही हाल है, नहीं जी तबीयत इनका ख़राब हो गया है, बदन में पूरा दर्द है, जैसा मेरा हो रहा था वैसे इनका भी हो रहा है। अभी बहुत उसके चाहिए पूरी बॉडी में, जैसे लगा कि ना सर में भी दर्द हो रहा है। तो दवा खाई? दवा है, पानी दे दो, खा लो। गैस भी बन गया, पेट में भी दर्द है। कल कपड़ा इतना धो दिए थे ना, मुझे कपड़ा था और ठंडा ठंडा पानी था, उसकी वजह से इतना। कपड़ा भी तो तुम लोग निकाल देती हो, नहीं तो मशीन भी नहीं से, इस नवरात्र में वाशिंग मशीन, हम लोग घूम के भी आए थे ना इसलिए कपड़ा भी बहुत ज्यादा। नवरात्र में वाशिंग मशीन लेंगे, मशीन भाई बहुत धोखा देता है, जब लगा तो मशीन तो दिमाग खराब हो जाता है। एक चीज लेते हैं, एक चीज मुसीबत इस बार लेंगे जो अपने आप धुल के निकल जाए भैया। हाँ वो उसमें नहीं करेंगे, बहुत मेहनत लगता है। अभी जा रहा हूँ उसको देखता हूँ, बनवाता हूँ, चलिए उसको देखता हूँ। मिक्सर पहले बिना मिक्सर के काम नहीं चलेगा, क्या दूँ? एक गिलास पानी नॉर्मल। तो ये हमारा वॉशिंग मशीन है और ये सुखाने वाला जो है, इसमें कपड़े डाल दो तो नहीं चलता है, और सूखा केवल खाली ये डाल रहेगा तो चलेगा बहुत तेज़ी से, और इसमें कपड़े डाल दो तो नहीं चलेगा। चलिए मिस्त्री से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें, मकैनिक से, कि खाली में भैया बहुत तेज़ चलता है, कपड़ा डालने पर काहे नहीं चलता है। तो पूछते हैं उससे और क्या प्रॉब्लम है। और हमने मिक्सर जो है झोले में डाल दिया है, मिक्सर भी दिखा देते हैं, एक ना एक प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो मिलते हैं, तो मार्केट में आ गया हूँ मैं मिक्सर बनवाने के लिए, मेरा जार ख़राब है, मिक्सर रिप्लेस कराने के लिए। ये चार भी देखो कितना बड़ा है, तीनों के अंदर हैंडल है, 5 साल मोटर की गारंटी है और 3 साल प्रोडक्ट की गारंटी है, 550 वाट के अंदर है, 5 साल की गारंटी, 5 साल मोटर की। और जो ऊषा ऊषा दिखा रहे थे ऊषा ही मिल जाएगी, कितने का? 89 से 50 की। कुछ भी कसर दिखा रहा ज़्यादा बता देना, इसमें जूस वगैरह नहीं बना सकते, शेक बनेगा, मैंगो शेक बनाना है। कोई बनाता ही नहीं, वो वाला पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, नया घर लेके आया तो सबसे ऐसे ही पड़ा है, कोई बना है ना आपका ये खाली मिक्सर मिक्सर तो हमारे यहाँ जाकर जूस वगैरह, अरे कोई बनाता ही नहीं, कौन इतना मेहनत करे, इतने में पैसे दो बना के पी लो। ठीक है, इसकी भी 5 साल 2 साल प्रोडक्ट की वारंटी है, इसमें लाइफ टाइम ब्लेड की वारंटी आती है, लाइफ टाइम ब्लेड, और इसमें इसमें भी 3 जार है, इसमें भी 3 जार है, बस दोनों में फ़र्क सिर्फ छोटा सा इतना है, इसकी वारंटी जो है इसमें 5 साल 2 साल है, इसमें 5 साल 3 साल है, 500 वोट की है, 550 वोट की है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो कॉमन चीज़ है, वो कॉमन चीज़ है कि जो ग्राइंडिंग करती है ना, बहुत लीन ग्राइंड करती है, बस थोड़ा सा जो चेंज है वो ये है कि इसके दोनों जारों में हैंडल है, इसमें हैंडल नहीं है, नहीं हैंडल ही चाहिए। हाँ तो इसमें हैंडल नहीं है, तो बिजली कौन कम खींचेगा? बिजली तो उतनी खींचेगी, 500-550 वाट का क्या फर्क है? 550 वाट का, हाँ ये आपकी पड़ेगी भैया, मेरा वाला काट दो। आप आए थे बनवाने के लिए तो हमने सोचा कि क्यों ना नया ही ले लिया जाए, बार बार भागने से अच्छा। वैसे आपकी है 3200 या 3250 रुपये की है, और आपकी जार है? हाँ जार वापस दे दोगे? हाँ दे देंगे, जार का क्या करेंगे हम, ये वाला लग जाएगा मैं इसमें 3300 तो नया ले रहे, क्या करेंगे जार? कर देंगे टोटल कर ले रहे हैं, यहाँ बहुत सारे मिक्सर लगे थे तो भैया ने बताया यही ले लो आप,
परफेक्ट है हाईवेल्स का, और घर चलते हैं, वाइफ को सरप्राइज देते हैं। अभी तो मैं लेके आया था पुराना वाला ही बनवाने के लिए, तो मैं सोचा कि बार बार कौन बनवाए। वैसे तो मेरा मिक्सर सही था, बस जार में ही प्रॉब्लम आ रही थी बार बार, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है और चलते हैं। भैया बोल रहे हैं दीपावली पे भी गिफ्ट मिलेगा आपको। तो चलिए इनको कैश दे देते हैं पेमेंट और मिलते हैं घर पे। तो घर लेके आ गया हूँ, इसमें तो पंखा छपा हुआ है, लेकिन मैं लेके आया हूँ नया मिक्सर, और वन्ना जी को बताया नहीं हूँ। चलते हैं उनको सरप्राइज देते हैं। अभी वाशिंग मशीन भी बनवाना है। वाशिंग मशीन तो नहीं ले सकते, लेकिन ये तो ले सकते, क्योंकि वाशिंग मशीन थोड़ा महंगा आता है, तो ये थोड़ा सस्ता था इसलिए मैंने नया ले लिया। बार बार बनवा के परेशान हो गया था। इधर छपा है मिक्सर, तुम्हारा बाप। लो नया पंखा खरीद के लाए हैं, सरप्राइज। ऐसे पड़ी होगी जैसे लग रहा कई दिन से बीमार। मिक्सर नया आपके लिए गिफ्ट, उसको दे दिए ना, उसका पैसा कटवा दिए। उसका कटा है 700 रुपये। हाईवेल्स 3000 का। अरे तो बुकाय रखा ओके, जूस वाला रहा उस मिक्सर। तो क्या हुआ, किसी दिन जूस बनाई हो? ओके ऊपर रखा हुआ, वो बेच दे तो क्या कर दो? अरे वो दे देंगे उसी को। क्या कितने के मिलाई है? ये तो 3200 का है, लेकिन उसको काट के 2300 रुपए का मिला। उसमें का ऐसे जो किट वाला था उसका मिक्सर बढ़िया है। कौन सा था? कौन फिलिप्स का था? LG का था। अच्छा है, 5 साल की गारंटी है। कौन सा जिंदगी भर यूज करना है? 3000 है। एक बड़ा सा है, एक छोटा सा, फिर एक उससे छोटा सा। सबसे जो हमारा से घर में सामान को ये सब है, पितृ दोष है। अरे आराम से अनबॉक्सिंग करना, रुको। अरे कर दो ये रहा उसका ढक्कन। बच्चे तो एकदम उतावले हो गए हैं कि इसमें क्या बनेगा। कहाँ से लाए हो? दुकान से लाए और कहाँ से लाए? सबसे छोटा वाला जा रही है रहा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और ऋषभ के लिए। ये जूस बनाने के लिए ना, इसमें देखो शेक बना सकती है, और उसमें इसमें मसाला वसाला पीस इसमें इसमें। अच्छा है, खुश? देखिए अभी जा रहे हैं वॉशिंग मशीन बनवाना है। मैंने बोल दिया था ना, दे देना। तो ये मिक्सर हाईवेल्स का और 5 साल की गारंटी है मोटर की। ये लग मिस्की ला दी, लेकिन मेरे ट्यूशन नहीं रुकवा रहे। मिस्की? अरे रख दो यार, तुम लोग एकदम पूरा छितिर बितिर कर दिए कोई चीज। तो हमारे पास जो पुराना मिक्सर था तो उसको हमने दे दिया। उसके ये जो ढांचा है जहाँ पे हम ये देख सकते हैं बिल्कुल नया है, उसका हमने यूज नहीं किया, एक दो बार ही यूज किया, जूस वूस बनाया था। तो इसको हम दे देते हैं क्योंकि अब हमारे ये किसी काम का नहीं है, तो भैया को दे देंगे, वो अपना यूज करेंगे कम से कम। ये इसमें जूस बनाने के लिए होता है। तो ये देखिए मिक्सर वगैरह, क्या बना, बड़ा वाला जार था। तो चलिए दे देते हैं, हमारे जब काम करेंगे उनको दे देंगे तो अपना यूज तो कर लेंगे, हमारा तो कूड़े में चला जाएगा। मिलते हैं। तो भैया आ गए हमारा वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए, और काफ़ी प्रॉब्लम थी कल, तो इन्होंने इतना कपड़ों से ही हाथों से ही धुला पुला कि तबीयत ख़राब हो गया उनका। इनको बुलाए तो ये बोले कि आ रहे हैं आ रहे हैं, और आए भी नहीं। कुछ और दिक्कत है? मुझे लग रहा प्रे करता है, यही टूट गया है क्या? इसका काम नहीं है? नहीं। ते लगा क्यों है फिर?
हाँ तो हमारे घर में कुछ भी काम है, कूलर, फ्रिज, एसी, सब कुछ इन्हीं को पकड़ते हैं हम और इन्हीं से काम करवाते हैं। बार बार भटकने की क्या इच्छा है, बगल में ही हमारे जब मन करे तब बुला लो इनको, काम करवा लूँ। ये भी टूट गया है क्या? आज पूरा दिन इसी में चला गया, कुछ काम बनवाने में, कुछ खरीदने में, कुछ अभी गया हूँ तो राशन खरीद के लाया हूँ, मिक्सर खरीद के लाया हूँ क्योंकि मिक्सर भी ख़राब हो गया तो कल परेशान थी, दूसरे का मिक्सर मांग के काम चला रही हैं। आज हम वॉशिंग मशीन भी बनवा रहे हैं। घर पे रहो तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। अभी राशन भी मिलाना है कि क्या आया क्या नहीं, पता चला कुछ छूट गया वहाँ पर तो वो भी ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन बन जाएगा, उसके बाद फिर हम राशन बना लेंगे क्या आया क्या नहीं। तो ये चीज़ नया लेके आया हूँ और ये लगा रहे हैं, अभी देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। इनको बोला कि चेक कर लो, चेक भी नहीं किए, पहले मंगवा लिए हैं। मंगवाए नहीं, खराब है, खराब है, 100% खराब है, वीक हो जाता है ये। तो ये चीज़ था, ये दिवाली वाला बम लग रहा है एकदम पूरा। जला लेना, हो सकता है इतने दिन से चल रहा है, खराब भी हो सकता है भाई, हर चीज का उम्र समय होता है। तो हो गया हमारा काम, ये बम खराब था, अब ये दीपावली में काम आएगा। ये बम खराब था, लाओ दो, दे दो दिया, अब क्या बच्चे ना, 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 क्या? 100 रुपए नहीं, जल्दी करो, चलो फिर ले लेना। नहीं नहीं, ये इसका क्या काम था, इसको निकाल दिया, ब्रेक होती हटा दी मैंने, ब्रेक फेल हो गया, तो ये बेकार था, खराब हो गया। अब ब्रेक कैसे लगेगा उसका, हटा दिया मैंने, ढक्कन ही टूटा हुआ तो क्या करूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, जल्दी करो, 130 रुपए का, 70 रुपए का मिल लियो, हैं 70 रुपए का मिल लियो। अच्छा तो चले होते साथ में, चलो तो ये राशन भी आ गया, हमारा वॉशिंग मशीन भी बन गया, मिक्सर भी आ गया, अब हो गया है काम फाइनल। तो अभी जो हमने दिखाया वो मैं लेके आया था, अभी ये दिखा देता हूँ, ये तो पुराना है और मैं नया लेके आया था। तो ये होती है मैकेनिक की कमाई, जिनको नहीं पता है, अब तो दुकान पता हो गया, अब तो बस मिस्त्री का जो चार्ज होता है वो हम दे देते हैं और सामान जो लाना होता है फटाक से स्कूटी से जाते हैं लेके आ जाते हैं। पहले स्कूटी नहीं था तो जो मांगते थे दे देता था भाई, अब मैं कुछ भी होता है मैं बोलता हूँ भाई अपना चार्ज बताओ बाकी सामान मैं ले आऊँगा, अब कुछ भी होता है मैं सामान लेके आता हूँ। एमसीबी जो इसमें लगा हुआ है, पहले हमारा बटन जल जाता था तो एसी का, और इससे जब पूछा तो इसने 700-800-1000 रुपए से कुछ बताए थे, मैं वहाँ जब गया लेने तो कितने का मिला, 150 रुपए का। अरे भाई इतना सस्ता, मुझे तो शौक हो गया एकदम। तो मैं बोला कि अब से जब जाऊँगा तो मैं खुद सामान लेके आऊँगा, बाकी जो लेबर चार्ज होगा मैं दे दूँगा। तो अब से अपना काम करा लेता हूँ, अब काम करा लिया, उसको 100 रुपए दे रहा था, नहीं माना तो फिर 200 रुपए दिया। वैसे चार्ज 100-200 रुपए ही होता है, तो उस हिसाब से अपना, जैसे प्लम्बर आते हैं तो नल ठीक करते हैं, उनका 100 रुपए चार्ज होता है, 200 तक हो जाता है, तो इनका भी 100-200 तक ही होता है, तो मैंने उतना 200 रुपए दे दिया। तो चलिए हमारा काम हो गया, थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं, नजीक तबीयत ठीक हो, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चल के हम पूजा पाठ कर लेते हैं, शाम का टाइम हो गया है, घड़ी में 6:30 बज चुके हैं, मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों को न्यू वीडियो के साथ, सबको करते हैं बाय बाय।